हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 दिसंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग 3 दिसंबर के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है, तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ठीक, या क्यों मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और 3 दिसंबर 1984 में वहाँ पे यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी जो कि कीटनाशक बनाती थी। वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनेट जहरीली गैस रिसाव के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उसी दिवस को याद करने के लिए भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक, अब दिवस से हमारा जब एक क्वेश्चन आ गया है तो क्यों ना पूरे दिवस को रिवाइज कर लें। देखिए, 1 तारीख को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस। 3 तारीख को 2 चीज़ें मनाई जाती हैं, एक भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस, दूसरा मनाया जाता है हमारा विश्व विकलांगता दिवस। 10 तारीख को मनाया जाता है हमारा विश्व मानवाधिकार दिवस। 19 तारीख को मनाया जाता है हमारा गोवा मुक्ति दिवस। 23 तारीख को मनाया जाता है किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर। ठीक, 25 तारीख को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि कल का हमारा दूसरा क्वेश्चन का क्या था कि हाल ही में किसी महिला को सेना प्रमुख बनाने वाला एकमात्र नाटो देश कौन सा है। ठीक, तो नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल 29 देश है और हमसे पूछ रहा है कि किस देश ने बनाया है महिला को सेना प्रमुख, तो स्लोवानिया ने बनाया है। किसने बनाया है? स्लोवानिया ने। देखिए, स्लोवानिया और जॉर्जिया में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जॉर्जिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सलोम जुराबिश्विली, और स्लोवानिया ने बनाया है अलेंका एमरेस को। किसे बनाया है? मेजर जनरल अलेंका एमरेस को बनाया है सेना प्रमुख। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया की गुमशुदा महिलाओं का लगभग कितने % हिस्सा चीन और भारत से है? तो लगभग 90% महिलाएं जो गुम होती हैं वो कहाँ से हैं? चीन और भारत से। नेक्स्ट बात करते हैं, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको पता है यह जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। यह कब से कब तक चलेगा? तो 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक चलेगा। इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे ब्लू क्रॉस मिला? तो ब्लू क्रॉस दिया जाता है ISSF द्वारा, अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ का सर्वोच्च पुरस्कार है ब्लू क्रॉस, और यह दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। आपको पता है कि यह शूटिंग इनका प्रोफेशन है। ठीक, इन्हें दिया गया है ISSF द्वारा ब्लू क्रॉस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 70वां सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सीमा सुरक्षा ने 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 54वां। BSF ने अपना 1 दिसंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 54वां। ठीक है, इनका स्लोगन क्या होता है? ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा देश 1 जनवरी 2019 से किम्बर्ले प्रक्रिया की अध्यक्षता करेगा? तो इसमें तो पहले तो यह जान लीजिए कि भारत करेगा, और किम्बर्ले प्रक्रिया हीरो से संबंधित है। अब मैंने आपसे कहा था किम्बर्ले प्रक्रिया पढ़ाने के लिए, तो मैं आज आपको किम्बर्ले प्रक्रिया पढ़ा दूंगी। ठीक, यह किससे रिलेटेड है? हीरे के व्यापार और उसे कानून बनाना व लागू करना। अगला हमारा G20 समिट का अगला संस्करण कहाँ होगा? तो 2019 में होगा जापान में। 2018 वाला कहाँ हुआ है? आप लोग को कमेंट करना है, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके वीडियोस पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर 2018 को। इसी दिन को भोपाल गैस त्रासदी स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता था। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन बन सकता है कि दिव्यांग दिवस की थीम क्या थी इस बार। तो इस बार दिव्यांग दिवस की थीम थी हमारी
इम्पावरिंग पर्सन विथ डिसएबिलिटी एंड इंश्योरिंग इंक्लूसिवनेस एंड इक्वालिटी। ठीक है, ये था हमारा दिव्यांग दिवस का थीम। बात आती है कि दिव्यांग दिवस कब से मनाया जाता है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र ने 1992 से 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाए जाने की घोषणा किया था। क्यों किया था? क्योंकि देखिए कोई भी अगर दिवस मनाया जाता है तो वह किसी न किसी सब्जेक्ट, किसी न किसी मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए। अब बात करें तो दुनिया में 7 बिलियन की आबादी है, जिसमें से करीब 1 बिलियन लोग किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित है, या फिर हम यूं कह लें कि प्रत्येक 7 में से 1 व्यक्ति विकलांग है। ठीक है, तो इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में घोषित किया। अच्छा, अगर हम लोग भारत में देखें तो भारत में जो 2011 का सेंसस है, 2011 की जनगणना, उसमें बताया गया कि 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग है, या फिर अगर हम लोग कह लें टोटल पॉपुलेशन की तो 2.21 लोग दिव्यांग है। ठीक है, तो इस डेटा को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार कौन सा देश अच्छी औसत वेतन देने के मामले में श्रेष्ठ है? तो भारत है। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि भारत 2008 में, मैंने आपको कल जब G20 में आपको पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो मंदी के बाद से लेकर के 2017 तक भारत एक क्या है, दक्षिण एशियाई देश है जहाँ वेतन, जो लोगों को वेतन दिया जाता था वो सबसे अधिक बढ़ा। क्योंकि आपको पता है कि वित्तीय आपात कितने में है, आर्टिकल 360 में दिया है भारत के लिए वित्तीय आपात का प्रबंध। ठीक, आपातकाल आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में 3 प्रकार के आपात लगते हैं, राष्ट्रीय आपात, ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, और तीसरा हमारा वित्तीय, एक है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी ये 352 में, और उसके बाद हमारा है स्टेट इमरजेंसी 356 में, और फिर हमारा फाइनेंशियल 360 में। तो भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय इमरजेंसी नहीं लगी, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, और इसीलिए रिपोर्ट में भी आया है कि 2008 से लेकर के 2017 में जो वेतन बढ़ा है वो कहाँ बढ़ा है, सिर्फ दक्षिण एशियाई देशों में, भारत में बढ़ा है। इसके अलावा और कौन कौन से देश हैं जो इस श्रेणी में श्रेष्ठ हैं? तो चीन, थाईलैंड और वियतनाम, इनके यहाँ औसत वेतन में वृद्धि हुई है। ठीक, लेकिन एक कमी भी है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रति घंटा मजदूरी की, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट में जेंडर गैप की बात की गई है। अदरवाइज आज तक सिर्फ इतना होता था कि औसत वेतन कितना दिया जाता, लेकिन इस बार जेंडर गैप की बात की गई है, महिला और पुरुष दोनों को शामिल किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रति घंटा मजदूरी के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 34% कम मजदूरी मिलती है भारत में, अगर बात करें कि सेम वर्क को पुरुष कर रहा है और सेम वर्क को महिला, तो महिलाओं को 34% कम मजदूरी दी जाती है। ठीक है, और जबकि अगर हम लोग बात करें अदर कंट्रीज की, तो करीब 70 देश ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पे औसत वेतन में महिलाओं को 20% अधिक मिलता है। ठीक, लेकिन इकलौते भारत में क्या है, 34% कम मिलता है, और अदर कंट्रीज में क्या होता है, 20%। अब बात आती है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया था, यह रिपोर्ट दिया गया है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब भारत में होगा, या होगा 2022 में। ठीक, उस समय भारत अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएगा आजादी का, और उसी समय होगा हमारा G20 शिखर सम्मेलन 2022 में। और क्या होगा, भारत अपने अंतरिक्ष यात्री भेजेगा कहाँ पे, स्पेस में, मैंने आपको बताया था मिशन गगनयान, जिसमें भारत क्या करेगा, अपने अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा स्पेस में। पहली बार ऐसा होगा कि किसी भी भारतीय स्पेस सेंटर से स्पेस में भेजा जाएगा भारतीयों को, ऐसा नहीं आज तक कोई भी भारतीय स्पेस में नहीं गया, लेकिन भारतीयों ने नहीं भेजा है। ठीक, आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप लोग करंट अफेयर टू द पॉइंट सीरीज में जरूर से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस रोबोट को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डे में भेजा गया है, तो यह भेजा गया है सीमोन को। ठीक, स्पेसएक्स के ड्रैगन कार्गो कैप्सूल के माध्यम से सीमोन एक कृत्रिम बुद्धि से छोटा रोबोट है, उसे भेजा गया है 2 दिन के लिए
अंतरिक्ष में। इसके वजन की बात करें तो यह अपेरेंस में गोल है और इसका वजन 5 किलो का है। जिसका निर्माण किसने किया है? यूरोप की एक जहाज कंपनी है एयरबस, ठीक है। और इसका जो एआई है, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वह किस पद्धति पर आधारित है? तो आईबीएम। आईबीएम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। जब यह रोबोट लोगों से बात करता है तो चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर से यह जान लेता है कि वह किससे बात कर रहा है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया? यह किया गया है कोटा में, ठीक। इसका नाम क्या है? ट्रेन 18। और इसकी स्पीड क्या है? 180 किलोमीटर पर आर। आप सुने होंगे, आप लोग देखे होंगे कि जितनी भी मेट्रो होती हैं, क्या होता है, नॉर्मल ट्रेन अगर आप देखेंगे तो इंजन बाकी डिब्बों को खींचता है, लेकिन मेट्रो में सभी डिब्बों में बिजली होती है तो इंजन रहित होता है उनमें, बट ड्राइवर के लिए कैबिन होता है। तो उसी तरह की यह ट्रेन है। वैसे इसकी स्पीड जो है वो जा सकती है 200 किलोमीटर पर आवर, बट उसके लिए थोड़ा सा जो ट्रैक है उसको सुधारना होगा। अभी जो टेस्ट हुआ वह 180 किलोमीटर पर आवर का हुआ है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में पुणे इंटरनेशनल मैराथन किसने जीता? यह जीता है अटलाविम डेबेबे ने, ठीक। यह बिलोंग करते हैं इथियोपिया से। एशिया प्रांत शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू किया गया है काठमांडू में, ठीक। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि वैश्विक कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है झारखंड में, जिसका उद्घाटन किया हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने, ठीक। झारखंड की कैपिटल है रांची और सीएम कौन है? रघुवर दास। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।